अगर आप दारू पीते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि किडनी सड़ाने, शरीर गलाने के बावजूद जो दारू का टैक्स आप सरकार को पे करते हैं, क्या आप जानते हैं आपके ही पैसों से आपको बुड़बक बनाया जा रहा है। मगर किडनी, लीवर, सरकार, टैक्स, दारू, अरे कहना क्या चाहते हो? आपको बता दें, झारखंड के खनन घोटाले से भी बड़ा छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला है। ईडी के दावे के अनुसार झारखंड का खनन घोटाला करीब 1,000 करोड़ का है, तो वहीं छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला करीब 2,000 करोड़ का है, यानी बिल्कुल दो गुना। लेकिन चैलेंज झारखंड का है और मुद्दा छत्तीसगढ़ का क्यों? इसका जवाब आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ के शराब कारोबार का नाता काफी गहरा है। दरअसल छत्तीसगढ़ स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CSBCL ने ही झारखंड में शराब नीति तैयार की थी। इसके लिए राज्य सरकार ने इसे 1 करोड़ की राशि भी प्रदान की थी। हालांकि यह नीति राज्य में पूरी तरह फेल हो गई, इसलिए झारखंड के उत्पाद विभाग ने खुदरा शराब बेचने का जिम्मा JSBCL को दे दिया है। अब ईडी झारखंड और छत्तीसगढ़ के शराब कारोबार को एक सिंडिकेट की तरह काम करते हुए देख रही है। हालांकि JSBCL से यह जिम्मेदारी संभाली नहीं जा रही, क्योंकि एजेंसी के प्रत्येक कर्मी पर 30 खुदरा दुकानों का बोझ है। इसका सीधा असर राज्य सरकार के उत्पाद विभाग के रेवेन्यू पर पड़ेगा। लेकिन शराब नीति के अनुसार खुदरा दुकानों में उपलब्ध शराब सरकार की है, यानी ले देकर आपके ही कमाए पैसे से दिए गए शराब के टैक्स से ये घोटाले किए जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।